So now we come to the types of education and the evolution of education. के education जो है वो कैसे शुरू हुई, पुराने जमाने में कैसी थी, कदीम दौर में, और आजकल जो है ये education जो है, तो इसका इसके पीछे background क्या है. तो types जो है बहुत easy हैं. अगर ये क्वेश्चन आ गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फुल टॉस बॉल है, ठीक है. तो इसको आप स्ट्रेट अवे फॉर द सिक्स जो है वो भेज दें, ठीक है, क्रिस गेल की तरह छक्का मार दें. तो टाइप्स जो है इसके क्या है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है और नॉन फॉर्मल है. फॉर्मल बहुत ही आसान, जो स्कूल और कॉलेज मदरसे में जो हम पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज मिलती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, हायरार्की होती है, फर्स्ट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, टेंथ और मैट्रिक, यूनिवर्सिटी. इनफॉर्मल जो है जो आप घर में सीखते हैं, हुजरे में सीखते हैं, जुमात में सीखते हैं, मस्जिद में सीखते हैं, कम्युनिटी में सीखते हैं, ठीक है. तो ये जो है इनफॉर्मल है. नॉन फॉर्मल जो आप जॉब में सीखते हैं, आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है. सॉरी थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया. और एसोसिएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी को पश्तो लैंग्वेज से जो है या शेर व शायरी से उनका लगाव है, तो वो जो शायरी का टोलना होता है, ठीक है, जो शायरों का जो ग्रुप होता है, सोसाइटी होती है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, शेर व मुशायरे में वो जो है शिरकत करते हैं, ठीक है. या कुछ लोग जो होते हैं उनको क्लाइंबिंग का शौक होता है, तो वो ट्रैकिंग सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर देते हैं. तो ये एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जॉब एक्सपीरियंस होता है. एक ऑफिसर होता है, उसने एबटाबाद में जॉब की है, तो उसको एबटाबाद का पता होगा, ठीक है, कि एबटाबाद का कल्चर कैसा है, जहलम में किया है, चीचावतनी में किया है, वगैरह वगैरह, ठीक है. तो दिस वॉज वेरी वेरी ईजी. नाउ वी कम टू द एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है. और अगर आप एग्ज़ाम से तंग आए हैं, स्कूल और कॉलेज से तंग आए हैं, तो इन लोगों जो लोग मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो इनको आज जो है आप बहुत ज़्यादा जो है इसको आप बुरा भला दिल ही दिल में कहें, ठीक है. लेकिन असल में ये है कि इनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, ठीक है, इन लोगों को. अच्छा, मिस्र में, कदीम मिस्र, इजिप्ट में, यानी 2000 कबल मसीह में जो प्रीस्ट होते थे या स्क्राइब्स वो लोग होते थे जो दरबार में लिखाई करते थे, ठीक है, और प्रीस्ट यानी उस दौर के जो मुल्ला होते थे, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती थी लिखने पढ़ने की, ठीक है. तो हर लोग, किसान या फौजी, वो जो थे वो अनपढ़ होते थे, ठीक है. सिर्फ ये खास तबका जो होता था, जिस तरह इंडिया में ब्राह्मण पढ़े लिखे होते थे, इसी तरह एक खास तबका जो है वो लिखता और पढ़ता था, ठीक है. फिर फोनीशियन अल्फाबेट, लेबनान का नाम आपने सुना होगा, खौफनाक धमाका हुआ था कुछ दिनों हफ्तों पहले. तो फोनीशियन अल्फाबेट जिस तरह ये अल्फाबेट है, ठीक है, एवोल्यूशन, तो इसमें जो है वर्ड्स या जिस तरह अलिफ बेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आवाज़ों से हमें अल्फाज बनाते हैं. जो ये मिस्र में जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, तो वो साइन लैंग्वेज है, जिस तरह चाइना में है हर एक साइन होता है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. और ये फोनेटिक फोनीशियन जो अल्फाबेट्स दरियाफ्त किए थे लेबनान वालों ने, तो ये जो है ये साउंड्स पर बेस होता है, तो इसमें लोग बहुत आसानी से सीख भी जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिखाई भी हो जाती है, ठीक है. बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है आप बता सकते हैं. फिर 600 कबल मसीह में टेक्सिला जो है, टेक्सला का पुराना नाम है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी. और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो है 30 के करीब जो है डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है. इतने डिपार्टमेंट तो हमारे कॉलेज में भी नहीं है भैया. और यहाँ पर जो है चीन से लोग आते थे पढ़ने के लिए, बगदाद इराक से आते थे, ईरान से आते थे, ठीक है. तो ये बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी थी अपने दौर की. फिर माइलेशियन एक स्कूल गुजरा है फलसफियों का,
यूनान में आयोनिया, ये आजकल तुर्की में है, ठीक है। तो पुराने जमाने में तुर्की में यूनानी लोग रहते थे। तो तारीख का सबसे पुराना जो फलसफी है, ग्रीक फलसफी है, या उसको थेल्स थेल्स कहते हैं, ठीक है, थेल्स थेल्स ऑफ माइलिटस, माइलिटस इस शहर का नाम है। तो इसमें फलसफे की तालीम शुरू हुई, ठीक है। पुराने जमाने में लोग देवमालाई कहानियों पर यकीन करते थे, ठीक है, कि ये दुनिया जो है ये फ्लैट है, या जो है जलजले इसलिए आते हैं कि दुनिया जो है वो एक गाय या बैंस पर जो है खड़ी हुई है, और जब वो हिलता है, ठीक है, अपने हॉर्न्स को हिलाता है, तो दुनिया जो है वो यहाँ पर जो है जलजला जाता है, ठीक है। तो इस किस्म के अजीबोगरीब ख्यालात थे। तो माइलिजियन स्कूल में इन चीज़ों की नफी की गई, और तकरीबन साइंस का इब्तिदा जो है यहाँ से यहीं से हुआ, ठीक है। इसके बाद प्लेटो ने एकेडमी को ली, एक स्कूल या कॉलेज या जो भी आप इसे कह लें, उसको इसने एकेडमी का नाम दिया, ठीक है, प्लेटो, अफलातून। आजकल जो है अगर कोई बच्चा कोई सियाणी बात करता है तो हमको, तू बड़ा वड्डा अफलातून बना है, तू ज़्यादा जानता है या मैं ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है। तो अक्सर इस तरह लोग कहते हैं कि यार तुम तो अफलातून बन रहे हो, होशियार बन रहे हो। तो ये वही अफलातून है जिसे इंग्लिश में प्लेटो कहते हैं, ठीक है। और इसने एकेडमी बनाई थी। आजकल भी आप देखें कोई स्कूल होता है तो उसको हम एकेडमी का नाम देते हैं। तो ये एथेंस के शहर जो कि आजकल यूनान का दारुल खिलाफा भी है, 387 कबले मसीह में बनाया। फिर चाइना में एम्पीरियल यूनिवर्सिटी बनी 200 कबले मसीह में, ठीक है। फिर 300 ईस्वी में जो है ईरान में एक एकेडमी बनी। फिर जो है तकरीबन 400 ईस्वी में पहली ईसाइयों की पहली यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में बनी, आजकल जो तुर्की में है। उर्दगुल में आपने देखा होगा कि पहले इस्तांबुल जो था वो ईसाइयों का था, फिर मुसलमानों ने उनसे फतह कर लिया, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो CSS PMS आजकल होते हैं, तो इसका आगाज़ जो है 10वीं सदी ईस्वी में चीन में हुआ, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम से तंग हैं तो आप चाइना को जो है वो बुरा भला कहें, इन लोगों ने जो है एग्ज़ाम जो है इन लोगों ने शुरू किया है। फिर दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो अभी भी डिग्री दे रही है वो मराकश में है, ठीक है। मराकश एक मुस्लिम मुल्क है शुमाली अफ्रीका में, शुमाल मगरबी अफ्रीका के बिल्कुल एक कोने में, स्पेन के नीचे। कारवान यूनिवर्सिटी जो है तो ये अभी भी मौजूद है। ये एक और मज़े की बात यह है कि ये एक खातून फातमा अल फहरी ने शुरू की है, ठीक है। वैसे जिसका नाम फातमा होता है वो बहुत अजीम कारनामे अंजाम देती है। आपके क्लास में तो फातमा खैर नहीं है। अच्छा, 17वीं सेंचुरी जो है यूरोप में रेनेसों आया, ठीक है। रेनेसों कहते हैं दोबारा पैदा होना या जागना, नींद से जागना। तो यूरोप जो थी जहालत में सोई हुई थी, लेकिन 17वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों का जवाल आया तो यूरोप में जो है वो बेदारी आई। साइंस, फलसफा, टेक्नोलॉजी, ये इन्होंने पढ़नी शुरू की। तालीम जो है वो आम हो गई, ठीक है। पहले यूरोप में सिर्फ मजहबी तालीम होती थी, या मजहबी तबका जो था वो तालीम हासिल करता था, तालीम आम नहीं थी, ठीक है। इसके बाद बरे सगीर पाक व हिंद में जो है मुसलमानों में भी तालीम की बहुत कमी थी, तो इसकी कमी जो है पूरी की सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान जिंदाबाद, आपकी वजह से जो है हम आज तालीम की रोशनी से माला माल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।